दोस्तों आप देख रहे हैं लालटेन भोजपुरी और आप लोगों का एक बार फिर से लालटेन भोजपुरी चैनल पर स्वागत है। खेसारी लाल यादव अपने गाने का प्रमोशन करने के लिए पटना में गए, पहुंचे, प्रमोशन भी किए, लेकिन वहीं पटना के एक सिनेमा हॉल में जाना था फिल्म के प्रमोशन करने के लिए। तो पटना में अवेलेबल होने के बाद भी सिनेमा हॉल तक खेसारी लाल प्रमोशन करने के लिए नहीं गए, ये आरोप लगाए हैं प्रोड्यूसर विजय यादव जी खेसारी लाल यादव पे, जो कि बोल राधा बोल के प्रोड्यूसर हैं और मार्केटिंग हेड भी हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि एल्बम बेस्ड इंडस्ट्री तो हो ही गई है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री, यहाँ पे फिल्मों को तवज्जो नहीं दिया जाता है, न सिर्फ दर्शकों के द्वारा बल्कि कलाकारों के द्वारा भी। अभी रिसेंटली दो फिल्मों का ट्रेलर आया है, टीजर और ट्रेलर, संघर्ष 2 और फरिश्ता। इस यहाँ से कुछ देखने को अलग मिल रहा है प्रमोशन के सिनेरियो से देखा जाए तो, लेकिन इससे पहले जो कुछ भी फिल्में आई हैं बस लाइव तक ही सीमित रह गई हैं। लाइव आकर बोल दिए, प्रमोशन कर दिए, बस उतना ही तक सीमित रह गई हैं। लेकिन इस चीज़ को बदलना चाहिए, जब तक आप दर्शकों के बीच बैठकर फिल्म देखेंगे नहीं तब तक समझ सकते हैं आप लोग कि कुछ भी हो नहीं सकता है। और अच्छी फिल्मों का प्रमोशन एक एक्टर का फर्ज बनता है कि अच्छी फिल्मों का प्रमोशन अच्छे तरीके से करे, दर्शकों के बीच जाकर करे। गानों का प्रमोशन इतने हाई लेवल से हो सकता है तो फिल्म है, वो तो बहुत ज़्यादा बजट की प्रोजेक्ट होती हैं तो उसमें समय देना ही चाहिए। बाकी दोस्तों इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।